स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सेमी कंडक्टर, और ये एनसीईआरटी का 14 नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है एनर्जी लेवल क्या होता है, इसके बारे में कि एनर्जी लेवल किसे कहते हैं। तो एनर्जी लेवल को समझने के लिए इसे आप एक एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं। सपोज दैट हम एक एटम लेते हैं, कोई भी एटम लिया जा सकता है। हम यहां पर एक एटम ले रहे हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल होता है एस आई, और आप जानते होंगे कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। और अगर इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर इसे लिखा जाएगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2, 8 और 4। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा ऑर्बिट में। तो अगर एक सिलिकॉन एटम है, यानी एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम है, सबसे पहली बात याद रखना है कि अभी हम लोग आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम के बारे में बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड कहने का मतलब है कि बिल्कुल अकेला है, इसके अगल बगल में दूर दूर तक कोई दूसरा एटम नहीं है। उस समय ये बात हो रही है, इस पर डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई सिलिकॉन एटम है जो आइसोलेटेड है, तो यहाँ पर हम लोग सपोज दैट ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। इसके बाद सपोज दैट ये इसका सेकेंड ऑर्बिट हो गया, और उसके बाद ये इसका थर्ड ऑर्बिट हो गया, और भी ऑर्बिट हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि ये n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट के लिए, और ये हो जाएगा n इक्वल टू 3, इसका मतलब है थर्ड ऑर्बिट। अब अगर ये सिलिकॉन एटम है तो सिलिकॉन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। इसके बाद थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए, किसी भी आइसोलेटेड एटम का, यानी किसी भी अकेले एटम का जिस एटम के नजदीक कोई दूसरा एटम नहीं है, उस आइसोलेटेड एटम का सबसे पहली बात उसमें यह है कि उसमें वेरियस ऑर्बिट होता है। किसी भी एटम में वेरियस ऑर्बिट होता है। तो अगर एक आइसोलेटेड एटम लेते हैं तो उसमें वेरियस ऑर्बिट है, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 द थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से ऑर्बिट कई ऑर्बिट होंगे। अब इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए, किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का, किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का सर्टेन फिक्स्ड एनर्जी होगा। यानी अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट में बात करते हैं तो एटम जो चैप्टर पढ़ाया गया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी के बारे में हम लोगों पढ़ा था। तो अलग अलग ऑर्बिट में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, ये फिक्स्ड एनर्जी होगा फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। अगर ये आइसोलेटेड एटम है, इसके नजदीक कोई दूसरा एटम नहीं है, तो इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एनर्जी क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा।
सेकेंड ऑर्बिट में अगर हम लोग एनर्जी के बारे में बात करें तो सेकेंड ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उन सब का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इस वाले ऑर्बिट से इस वाले के ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि बड़ा ऑर्बिट है। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन, चाहे उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन हो सबका एनर्जी क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन इस वाले ऑर्बिट से इसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन एटम का, यहाँ पर तो सिंगल लिए हैं, अगर हाइड्रोजन एटम की केस में बात करें तो फॉर्मूला बनाया गया था ई एन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये होता है माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी होगा वो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा अगर n इक्वल टू 1 लेंगे तो इस समय फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का वो होगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n इक्वल टू 2 लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपको माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर n इक्वल टू 3 लेंगे ये हो जाएगा आपका वैल्यू माइनस 91 और 1.5 लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड किसके लिए है, आप लोगों ने पढ़ा था ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिलिकॉन एटम लेके चले हैं। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि सिलिकॉन के लिए भी अगर वैलिड हो जाता है, तो अगर ये वैलिड होता है तो सिलिकॉन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबका एनर्जी होगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी हो जाएगा माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि किसी भी एटम में वेरियस ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का डिफिनेट एनर्जी होता है। उस एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन के इस एनर्जी को, डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी को एनर्जी के डिफरेंट लेवल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट एनर्जी के डिफरेंट लेवल से, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में अगर यहाँ पे हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाना चाहें तो ये बनेगा डायग्राम। अब देखिए सपोज दैट ये फर्स्ट ऑर्बिट के एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनर्जी के एक लेवल से, यानी इसको, यानी ये वाला जो ऑर्बिट है इसका जो एनर्जी है उसको अगर मानते सब समझाने के लिए बताने इसको यहाँ पे कट कर दें तो कट करेंगे सीधा बन जाएगा, इसको यहाँ पे लाके फिक्स कर दें तो ये यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी को हम लोग यहाँ पर इंडिकेट करेंगे एनर्जी के फर्स्ट लेवल से, यानी इसको कहा जाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल। ये हो गया आपको फर्स्ट एनर्जी लेवल एन इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को यहां पर दिखाया जा सकता है, सेम चीज है, एक इलेक्ट्रॉन यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, दोनों का एनर्जी क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, दोनों की एनर्जी सेम होगा। अगर दोनों की एनर्जी के बारे में बात करें, अगर सपोज कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग टू, तो ये हो जाएगा माइनस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये हाइड्रोजन के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं। अब इसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एनर्जी होगा वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसको इंडिकेट करेंगे एनर्जी के दूसरे लेवल से, और इसका लेवल इससे ऊपर रखा जाए, तो ये हो गया सेकेंड
ये हो गया आपका सेकेंड एनर्जी, सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया। अब इस एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक दो तीन एट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये आठ, एट इलेक्ट्रॉन हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पर नंबरिंग देते हैं ये किसके लिए, एन इक्वल टू सेकेंड, यानी कि सेकेंड जो ऑर्बिट था उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनर्जी के सेकेंड लेवल से, इसको कहेंगे सेकेंड एनर्जी लेवल। अब इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एनर्जी होगा वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसको थोड़ा ऊपर लेवल में लेके जाएंगे। जैसे कहते सी होता है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, तो थर्ड पे जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये थर्ड वाला इसके ऊपर ले जाकर रखें, ये हो गया एन इक्वल टू थ्री, और ये हो गया आपका थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। इसी तरीके से फोर्थ एनर्जी लेवल भी हो सकता है, फोर्थ एनर्जी लेवल अगर फोर्थ फिफ्थ इस तरह से कई एनर्जी लेवल हो सकता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल क्या होता है, कि किसी भी एटम में कई ऑर्बिट होता है और हर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एनर्जी होता है, इसमें एनर्जी अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, उस इलेक्ट्रॉन के उस एनर्जी को डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एनर्जी के डिफरेंट लेवल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस लेवल को ही एनर्जी के इस लेवल को ही कहा जाता है एनर्जी लेवल। किसी भी आइसोलेट यहां पे लेकिन आइसोलेटेड एटम के बारे में बात कही जा रही है, यानी अकेला एटम है, इसके साथ कोई दूसरा एटम नहीं है, तो यहां पर एटम का वेरियस ऑर्बिट है और हर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट एनर्जी होगा और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को एनर्जी के डिफरेंट लेवल से इंडिकेट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस लेवल को, ये डिफरेंट लेवल को ही कहते हैं हम लोग एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उसके बेस पर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल बना, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके कारण ये सेकेंड एनर्जी लेवल बना, थर्ड में जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का थर्ड एनर्जी लेवल बना। और थर्ड एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वन टू थ्री फोर, यहाँ पर आप फोर दिखा सकते हैं समझने के लिए, वन टू थ्री फोर, इतना बात आपको समझना है क्या। तो ये है आपका एनर्जी लेवल किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को ही डिफरेंट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है उसे ही डायग्राम में एनर्जी के डिफरेंट लेवल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, और उस डिफरेंट एनर्जी के लेवल को ही हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल कहते हैं, यानी इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं और इसी कहा जाता है एनर्जी लेवल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और बताना है, वो ये बात है कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे दो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों का एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का एनर्जी सेम है, यानी कि अगर माइनस 13.6 है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो इसका भी माइनस 13.6 और इसका भी माइनस 13.6 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के लिए होता है लेकिन वो मान के चल रहे हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन होल, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 1.4, इसका भी माइनस 1.5, इसका भी माइनस 1.5, इसका भी माइनस 1.5, इसका माइनस, लगभग सेम होता है। अब एक बात और याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट में कितना स्टेट है, कितने रहने की जगह होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रहने की जगह होती है,
फर्स्ट ऑर्बिट में रहने की जगह दो होती है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दो इलेक्ट्रॉन का जगह होता है फर्स्ट ऑर्बिट में रहने का। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि दो फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन का जगह होता है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यानी कि इसी को हम लोग कहेंगे दूसरे वर्ड में कि फर्स्ट ऑर्बिट में दो स्टेट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के रहने की दो जगह होती है। और इस एग्जाम्पल में, सिलिकॉन के एग्जाम्पल में, फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो यहाँ पर उसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना स्टेट है, टू स्टेट है, यानी इलेक्ट्रॉन के रहने की कितनी जगह है, दो जगह है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दो से ज्यादा नहीं रह सकता, तो दो जगह है और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, दो इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में कितना स्टेट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कितने रहने की जगह है, कितना रह सकता है मैक्सिमम, तो वो होता है एट, सेकेंड ऑर्बिट में एट रह सकता है। और यहाँ अवेलेबल भी कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, एट इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये तो हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा एट स्टेट्स और एट इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है आठ, एट इलेक्ट्रॉन रह सकता है थर्ड में, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो होता है टू एट, इलेक्ट्रॉन के फिल होने का, बढ़ने का, टू एट एट एटी के होता है। तो थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, आठ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आठ स्टेट होता है, इलेक्ट्रॉन की आठ रहने की जगह होती है, यानी आठ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, तो यहाँ पर कितना स्टेट होगा, एट स्टेट। लेकिन इस एग्जाम्पल में, इस सिलिकॉन का जो एग्जाम्पल दिया गया उसमें इलेक्ट्रॉन है कितना, फोर इलेक्ट्रॉन है, आठ रह सकता है मैक्सिमम, एट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन है कितना, फोर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात, यानी कि यहाँ पर फोर इलेक्ट्रॉन और रह सकता है, फोर इलेक्ट्रॉन का और जगह है जो इसमें क्या कर सकता है, रह सकता है, फोर स्टेट और रह सकता है, फोर स्टेट तो भरा हुआ है, फोर स्टेट इसका यहाँ पे क्या है, खाली है, फोर स्टेट यहाँ पे क्या है, खाली है, इसको ठीक से समझना है कि ये आगे जाके काम है। तो यहाँ पर फोर, यहाँ पर क्या है, टोटल एट स्टेट है जिसमें फोर इलेक्ट्रॉन, फोर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और फोर स्टेट इसका क्या है, खाली है, फोर इलेक्ट्रॉन फोर स्टेट में अवेलेबल है, फोर चार जगह इसका क्या है, यहाँ पे खाली है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि एनर्जी लेवल क्या होता है, कि किसी भी आइसोलेटेड एटम में बात कही की जा रही है, किसी भी आइसोलेटेड एटम में एटम का कई ऑर्बिट होता है, हर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रॉन के उस एनर्जी को ही एनर्जी के डिफरेंट लेवल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे ही हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला इसके बारे में लिखा देते हैं, उसके बाद सेकेंड आगे पढ़ाएंगे। एनर्जी मैप तो लिखिए, व्हाट इज, पहले हेडिंग बना लीजिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए व्हाट इज एनर्जी लेवल्स, व्हाट इज एनर्जी लेवल्स, और इसमें डैम देखिए, इसमें आंसर लिखिए, एन आइसोलेटेड एटम हैज various orbit, an isolated atom has various orbit and an electron revolving in a particular orbit and an electron revolving in a particular orbit has definite energy. Particular orbit has definite energy. Full stop. The energy of
इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट ऑर्बिट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डिफरेंट, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी, different levels of energy. Full stop. Which is called energy level. Which is called energy level. Which is called energy level. अब क्या कीजिए आप, ये example लिखिए और इसको copy कीजिए और ये वाला copy कीजिए. ये सब तो नहीं लिखा है, ये समझाने के लिए था. ये एग्जाम्पल लिखिए, अभी दोनों कॉपी कीजिए.